हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो LLB सेकंड ईयर का पेपर है जो हाल ही में हुआ है कल। डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। ये है क्रिमिनल प्रोसेस कोड एंड चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2000। ये देखिए, और पेपर में आप प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो प्रीवियस पेपर में जो आता है वो आता था 2015, बट इस पेपर में जो है चेंज कर दिया है यूनिवर्सिटी ने चेंज किया है, वो है आपका ये 2000। क्या है? 2000 दिया है, 2000 दिया है। और ये 2000 को बच्चों को कन्फ्यूज़न रहा काफ़ी समय से, और बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज़न में थे, तो बहुत से बच्चों का सही भी हो गया, बहुत से बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं हमारा क्या टारगेट रहा है इस पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी किशोर या बालक को मादक पिलाया जाता है, यानी आप अल्कोहल पिलाने के लिए मजबूर करते हैं, तो उसके लिए जो है फर्स्ट आपका जो है ये बी आंसर है। इसमें 3 साल की सज़ा रहेगी और कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा आपने देखा है तो बाल गृहों का निरीक्षण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ओके, तीसरा अगर आप देखेंगे धारा पुनर्वाह में, इसमें देखिए इसमें आपका 40 है, इसमें आपका 40 है। कौन सी धारा है? वो 40 है। ओके, चलिए कितने दिनों के अंदर आदेश पारित कर अपील की जा सकती है? कितने दिनों के अंदर? आप देखिए इसमें डाउटेबल क्वेश्चन है, इसमें 15 से 30 दिन लिखा है, इसमें 30 भी लगा सकते हैं या 15 दिन भी लगा सकते हैं 1 मंथ के अंदर। ओके, धारा में प्रण का जो है देखिए रिविज़न इज़ गिवन एज द US, वो है 46। ओके, 46, इसमें 46 है आपका। इसमें दोनों ही हैं, संक्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक है, देखिए दोनों पर लगाया है बच्चे ने, और हमारा जो है वो है आपका फर्स्ट आंसर। ओके, फर्स्ट आंसर है प्रतिक्रियात्मक विधि, इसमें है दंड 1973 है प्रक्रियात्मक विधि। ओके, अपराध को धारा परिभाषित किया जाता है वो होता है 2N में, किसमें? 2N में। ये स्टूडेंट ने 2J लगाया हुआ है। ओके, देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस दिन प्रवृत्त हुआ था? वो था 1 अप्रैल 1974 को। ओके जी, ये देखिए किसके जांच की जाती है, किसके द्वारा जांच की जाती है? न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। ओके, यहाँ पर दो उदाहरण देंगे तो पीड़ित का संरक्षण या विधिक वारिस, ये रहेगा इसका आंसर, यानी कि आंसर बी रहेगा इसका, आंसर बी रहेगा 10वें का क्वेश्चन का। ओके, 11 का आप देखेंगे तो 11 में उपयुक्त सभी लगाया है, उपयुक्त सभी हैं, बच्चे ने लगाया है संघीय या असंघीय, तो उपयुक्त सभी हैं। ओके, भारतीय दंड संहिता को कारित अपराध के लिए मजिस्ट्रेट पुलिस के अन्वेषण करने की शक्ति रखता है, 156 दंड संहिता के सहित करता है। ओके, 156 होता है। इसमें देखिए जमानती अपराध में जमानत के अधिकार के तौर पर प्रदान की जाती है पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, दोनों के द्वारा की जा सकती है जमानती अपराध। तात्पर्य है जो प्रथम सूचित रूप से जमानत दिखाया जाता है। ओके, अपराध क्या है? वो 2D में आता है। ओके, ये है संघीय अपराध, 16 का संघीय अपराध, 17 का 2J यानी कि C, 18 का आपका है, 18 का है आपका B। आप मैच कर लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर उस तरीके से आपको दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन देखिए, ये है आपका D, 19 का, ये आपका 125। ओके, यहाँ पर 21 का है, 24 घंटे के अंदर उसे जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। धारा 164A है इसका। FIR का मीन्स होता है फर्स्ट सूचना रिपोर्ट, ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ओके, देखिए ये धारा 144 बच्चे ने गलत किया हुआ है, गृह मंत्री नहीं लगाते हैं, सिर्फ जिले का DM लगाता है, जिस जिले में उसे लगता है कि आपत्ति होने वाली है, यहाँ पर अति संवेदनशील अनावश्यक तत्व तो आ चुके हैं, तो उस एरिया को वो संवेदनशील करके वहाँ पर वो 144 लगा देते हैं। ओके, धारा 154 है, FIR दी जाती है 154 में। आप देखेंगे कि 265 में दिया गया है सौदा अभिभावक, अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय में,
जैसे आपने सेशन कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो आप उससे उच्च न्यायालय में आप अपनी जो है अपील लगा सकते हैं। 2G है इसका, धारा 2J के तहत जांच की जा सकती है। ओके, 30 क्वेश्चन है, धारा तक के तहत उपयुक्त सभी आएगा, इसमें गृह, तंबू, भवन, यान, जलपान, ये सब इसके अंदर आता है। इसमें आपको जो है उपयुक्त सभी पर टिक करिएगा। 2X के अंतर्गत आता है पीड़ित मामला, इसमें अभी देखिए पीड़ित भी 2X के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसमें एक वारंट मामला भी है, अब दोनों में से एक है, आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आपका सही है, ये डाउटेबल क्वेश्चन था। ओके, देखिए इसमें आएगा आपका लोक, यह दोनों लोक एंड निजी दोष, ये दोनों आएंगे इसमें। इसमें देखिए लिखित एंड मौखिक रूप से दोनों को प्रवादात हो सकती है। ओके, इसमें यह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, बच्चे ने लगाया, एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसका 50 है। ओके, धारा 91 के तहत शिकायत कर सकते हैं उपयुक्त समय से कोई नहीं। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है, किस पर नहीं होती है, शिकायतकर्ता पर, किस पर, शिकायतकर्ता पर। 91 एक ही सहित अंतर्गत अपव्यय है, ए और बी दोनों बिना वारंट के दौरान तलाशी ली जा सकती है किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा या अन्वेषण अधिकारी के द्वारा, बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। ओके, ए एंड बी दोनों हैं इसका आंसर, इसका आंसर सी है, इसका आंसर बी है। अभी आप देखेंगे अग्रिम जमानत दी जा सकती है उच्च न्यायालय से, न्यायिक मजिस्ट्रेट को कितने 15 दिन, ये अभी किया था आपने। 43 देखेंगे, 43 में आपका क्या है, न्यायिक की पुनरीक्षण की शक्ति, इसका जो है आप जो है 102 लगाएंगे। यह है राजस्व न्यायालय, इसका आप लगाएंगे सेक्शन 370B, 357B। इसका है ये आपका 46 का डी, ये आपका 44। देखें निर्णय, देखिए इसमें आदेश सम्मिलित अनुशासन के इंक्लूडिंग द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, ऐसी ये सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और देखेंगे, इसमें आपका है बी, 50 में है आपका डी। ओके, 50 क्वेश्चन हो गए आपके। अभी देखते हैं, इसमें 45 है, इसका 52 का है ए, 53 का है आपका डी। ओके, 53 का है डी, 54 का है डी, इसमें 54 का डी है, बट इसमें जो है बच्चे डाउटेबल क्वेश्चन है, इसमें आप 15 को सही करिएगा, 90 को सही नहीं करिएगा। ओके, 55 में आप देखेंगे, 55 में आप देखेंगे, 55 में है आपका मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकृति होती है। देखें किसी निम्न में से स्वीकृति निम्न अमाउंट ऑफ पावर रिकॉर्डेड ऑफ कॉन्फ्यूज मजिस्ट्रेट करते हैं। ओके, पुलिस अधिकारी तो गिरफ्तार कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के जो है कुछ भी फैसला वगैरह ले सकते हैं। आरोप धारा में प्रवासित और 2B। ओके, 57 का आपका जो है, देखिए कौन सा दंड संहिता का उपचार नहीं है, रिव्यू और निर्देश, रेफरेंस, पुनर्निर्माण, रिवीजन और अपील। देखिए दर्शक उपचार का उपबंध नहीं है, विच इज़ द फॉलोइंग और रिमाइंडर इज नॉट द प्रोविजन ऑफ CPC। ये देखिए डाउटेबल क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, ये डाउटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, 58 में देखेंगे आप जो है इसका सी है, 58 में देखेंगे इसका सी है, और ये है
मजिस्ट्रेट को कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार नियुक्त करती हैं कि किस जगह कौन सा डीएम जाएगा, वो राज्य सरकार का फैसला होता है। इसकी 16 वर्ष आयु कर दी है किशोर की, आपको पता ही होगा। ये न्यायालय होगा इसका, इसका बी देखें 63 का बी है, इसका डी है 64 का, देखें इसका जो है ए है 67 में। देखिए दंडादेश जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं वो है आपका 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं मजिस्ट्रेट, वो यहाँ से है। ओके, न्यायाधीश की सेनावृत्ति की आयु जब हम बात करते हैं तो हमारा जो होता है वो 65 वर्ष होती है। ओके, देखिए 69 ए और बी दोनों हैं। 70 में आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को डी है इसका आंसर, 71 में भी डी है, 72 में 482 धारा जो सेक्शन के अंतर्गत आती है सीपीसी की। यदि किसी अपराध को केवल जुर्माने के दंडनीय है तो परिसीमा काल होगा 6 महीने का। ओके, ये होता है 3 महीने का। देखें 75 में न्यायालय को कोई भी व्यक्ति न्यायालय निर्णय सुनाए जाने पर किसी भी पूर्व आरोप में परिवर्तन या अपवर्तन कर सकता है, वो यस वो सत्य है कर सकते हैं। अभिभावक सौदेबाजी लागू नहीं करते, ये इसका डी आंसर है। देखें इसका बी आंसर है, 78 का सी है, 79 का ए है, 78 का आपका बी है, 80 का भी है। ओके, 81 का आप देखेंगे तो 81 में आपको जो है वे अनियमितताएं जो कार्रवाई दूषित नहीं करती, इसका भी है। ये डाउटेबल क्वेश्चन है, इसका जो है 7B है, इसका भी है, इसका ए है, 85 का ए है, इसका डी है, इसका सी है, इसका सी है, इसका सी है, 90 का बी है, 91 का सी है, 92 का ए है, 93 का सी है, 94 का, 95 का 3 माह की कारावास है। 95 हो गया, 96 ये डाउटेबल हैं, इसका 3 है 97 का, और इसका 98 का ई है, 99 का सी है, और 100 का आपका सी है, 100 का आपका सी है। इस तरीके से ये जो है पूरा आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। अगर इस क्वेश्चन पेपर के किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो आप उसका कमेंट करके आंसर दें, क्योंकि ये जो है कंटेंट पूरा जो वीडियो मेकर है उसका है, यूट्यूबर का, गलत भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका जो है क्वेश्चन का आंसर सही है तो आप विद प्रूफ उसे शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, तो वो आपको एडिट कर दिया जाएगा, देख लिया जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर आपका यूट्यूबर के अकॉर्डिंग सही है, तो आप इस को एंजॉय करिए और इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल से लेते रहिए। और 10 से 12 तक का या 9 से 12 तक का पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि सेकंड प्ले लिस्ट में होगा, आप जाकर देख सकते हैं।
थैंक यू फॉर की वॉचिंग।